हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। आ गए हैं बदरपुर की डीडीए कॉलोनी में, तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और वो क्या समाधान चाहते हैं सरकार से उन समस्याओं के लिए। आपको क्या लग रहा है, आपके आसपास का काम ठीक हो रहा है यहाँ पर? आसपास का काम तो थोड़ा ठीक हो रहा है यहाँ पे, और बाकी देखा जाए तो सफाई व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं है। यहाँ सारी दिक्कत ही दिक्कत है, सारी दिक्कत है, सब गंदे पानी की, रास्ता की, रोड की, नाली की, गंदे पानी की, साफ पानी की, पीने की पानी की, आने जाने के टाइम की। पानी की बर्बादी बहुत होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वैसे आजकल एरिया में पानी की कमी है, जहाँ पानी डला भी होता है ना वहाँ पे पाइप डाल के छोड़ देते और पानी वो बढ़ता रहता है। सारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, केंद्र की भी अच्छा काम कर रही है, स्टेट की भी कर रही है, एमसीडी भी कर रही है, सबका सरकार अच्छा काम कर रही है। पहले तो मेन रोड ही है, रोड इतने गंदे हैं, निकला नहीं जाता, इतना ट्रैफिक हो जाता है। संगम बिहार में रहने वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बिना बारिश के इतना पानी भर जाता है जिसका कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। अच्छा कर रहे हैं काम, लेकिन जो महंगाई हो रही है उससे हम बहुत दुखी हैं। एक बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे हैं दोबारा से, गंदा पानी आ रहा सबसे ज़्यादा। हमारे घरों के जो नल है ना सीवर में, उसमें गंदा पानी आ रहा पीने में। सरकार का काम है पैसा देना, पार्षद का काम है काम कराना, वो कराते तो कोई है ही नहीं। हमारे जैसे गाँव का भी कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब गलियाँ हैं जैसे कि उनमें मतलब कि कोई गली बननी है या गलियों की सफाई है या जैसे हेडलाइट है, तो ये सब काउंसलर को एमएलए के अधीन आती है। लेकिन उनसे हमने कई बार हमने उनसे बोला है कि भाई हमारे ये काम कराओ। बुजुर्गों की पेंशन है जो एमएलए कोटे से आती है, वो भी अभी किसी की नहीं मिली है। सांसद है रमेश विधूड़ी, वो एक बार वोट मांगने आए थे, उसके बाद वो छत रोड में दिखाई नहीं दिए। तो लास्ट में तो बहुत अच्छा तेज़ी से शुरू हो गया, काफ़ी अच्छी शुरू हो गया है, शुरुआत हुई है। और सीवर की समस्या थी सबसे बड़ी, वो सीवर का काम शुरू हो गया यहाँ पे। ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए, और ना ही कोई हॉस्पिटल है ढंग का, और मेन रोड पे सबके लिए बन सकता है, और वृद्धाश्रम बन सकता है बुड्ढों के लिए, बैठने के लिए, उठने खेलने के लिए, इन चीज़ों के लिए। हमारे डी ब्लॉक में आज तक काम नहीं हुआ, सीवर पड़े हुए, 40.5 करोड़ का टेंडर है, क्यों नहीं हुए? गाँव में तो हुआ ना, कॉलोनियों में तो सुना है भाई काम हुआ है, मैंने तो देखा नहीं। जैसे ये 60 फुटा रोड बना है, ये तो हुआ है काम थोड़ा, गाँव में तो कोई गली वली कुछ नहीं बना।